हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज का ये जो नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपस में कोई सज्जन व्यक्ति बात भी कर रहे होंगे, डिस्कशन भी कर रहे होंगे, तो बगल वाला आदमी इसको सुन करके अजीब सी फीलिंग दिखाएगा आपको। ये टॉपिक बचपन से ऐसा रहा है जिसके बारे में जानना तो सब कोई चाहते हैं लेकिन डिस्कस करना कोई नहीं चाहता। जब हम 10th क्लास में थे तो एक रिप्रोडक्शन सिस्टम कॉमन मेल फीमेल को स्किप कर दिया जाता था। जब हम 12th में बायोलॉजी लेकर के आते हैं तो इस टॉपिक को सबसे लास्ट में डिस्कस किया जाता था या तो असाइनमेंट देकर के बस खाना पूर्ति कर दिए जाते थे। जब हम फार्मेसी में आए, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आए हैं और बी फार्मा में डिटेल से इनके रिप्रोडक्शन साइकिल को बाकी चीजों को स्टडी करना होता है तो यहां भी सेम कहानी। मैक्सिमम जगह इस टॉपिक को सबसे लास्ट में रखा जाता है रिजर्व केस में, ताकि सिलेबस खत्म होने को आए तो ये स्टूडेंट को असाइनमेंट दे दें। ये काफी जगह होता रहता है। अगर इसके बारे में और अधिक आपको कंफर्म होना चाहते हैं तो जब ये आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो भी आप अपने अपनी मोबाइल की आवाज को थोड़ी सी स्लो रखी होगी, कहीं आसपास आपके घर वाले इसको अदरवाइज ना लेना शुरू कर दें। ये टॉपिक ही ऐसा है क्योंकि इसमें हम ये फील करते हैं कि ये बहुत टैबू है, इसके बारे में बात करना हमारे सोशल दृष्टिकोण से सही नहीं होगा, क्या सोचेंगे लोग, ये जरूरी बात इसमें आपकी बाधा बनाती है। लेकिन जब से जैसा मैंने कहा आपको, सॉल्यूशन फार्मेसी का एक प्रिंसिपल हमेशा से रहा है, हम उस टॉपिक के बारे में भी डिटेल से बात करना पसंद करते हैं जिसके बारे में लोग डिस्कस करना तक नहीं चाहते, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको केवल बेसिक नॉलेज ही नहीं देगा बल्कि हो सकने वाले संभावित प्रॉब्लम से जो कि आपको लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकते हैं उनसे भी बचाने में काफी मदद करेगा। ये एक प्रॉब्लम तो होती तो चलिए ठीक है, ऐसी कई प्रॉब्लम है जो कि इसके ग्रुप के अंदर रखी गई है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहने का मतलब कोई एक सिंगल डिजीज से तो है नहीं कि इसके बारे में चलिए थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साइन और सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं और इसके अंदर काफी तरीके के जो प्रॉब्लम कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इंक्लूड होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से डील करना आवश्यक है और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपके लिए आगे आने वाले समय में पावर पॉइंट और कुछ स्टैंडर्ड बुक का इमेज एज इट इज के फॉर्म में एक्सेप्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसमें हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सबसे पहले हमको हमेशा की तरह इस जो टाइटल है इसको बायफर्गेट करके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेना होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आखिरी के दो वर्ड को पहले समझे, ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एक ऐसा डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक ट्रांसमिट होता हो, फैलता हो, और इसके कई सारे एग्जांपल आप जानते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल आज की डेट में बात किया जाए तो जिस सिनेरियो में आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर कोरोना वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कंसिडर किया जा सकता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से मूव कर सकता है। यहां पर एक जरूरी बात यहां पर यह है कि ये जो डिजीज है आपका कोरोना वायरस, वो फिजिकल कांटेक्ट में जरूरी नहीं, केवल आप टच करें, स्नीज करें, कफिंग करें, हैंडशेक करें, ऐसी कई चीजों से मूव कर सकती हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ट्रांसमिटेड डिजीज के पहला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें एक वर्ड को एम्फेसाइज करना आवश्यक है, दैट इज सेक्सुअली। सेक्सुअल इंटरकॉर्स होने की वजह से ये कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव करे, केवल यही एक तरीका नहीं है लेकिन और भी एक दो तरीके हैं। जैसे कोई अगर ऑलरेडी इंफेक्टेड है एसटीडी की प्रॉब्लम से और उसके ब्लड को किसी दूसरे में ट्रांसफर करें तो वहां भी चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस अगर हम बात करें लोकल थ्रू सिस्टमिक इंफेक्शन की, तो उनके पीछे का जो मेजर कारण है वही है इंप्रॉपर एंड अनसेफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सुनने में अटपटा लगेगा, नाउअडेज इनका जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें अननेचुरल सेक्स भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पे इस तरह के कंटामिनेशन, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्युनिकेट किया जा रहा है। कई सारे एग्जांपल हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, आपके पेपिलोमा वायरस है, और सबसे अच्छा सबसे सिंपल एग्जांपल तो एक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो जब ये प्रॉब्लम की जड़ आपको मालूम है तो इसके पीछे का रीजन भी हमको मालूम होना चाहिए, यही एक रीजन है। लेकिन इस एक रीजन के पीछे बेसिक्स बहुत क्लियर है, वो ये है कि आप अपने लॉयल पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जहां पे आप अपने जो अंदर की जिज्ञासा है, जानकारी है, उनके अभाव में मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। कई चीजें इसके पीछे इन्वॉल्व हो सकती हैं और सॉल्यूशन केवल एक है, एक प्रॉपर और हेल्दी मैनर में इसके बारे में डिस्कस करना। कहीं भी कोई अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो इसको हाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट के साथ या अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि चीजों को अगर हम छिपाएंगे शर्म की वजह से तो वह आगे और भी बढ़ती जाएगी, तब कहीं ना कहीं आपको इसको डायग्नोस और ट्रीट कराना पड़ेगा। तो जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आवश्यक हो जाएगा, तब तक केस बिगड़ चुका होगा। तो उससे पहले है कि
आप अपने शर्म को, अपनी चीजों को बायफर्गेट करके इनको यूज करना स्टार्ट करें, बेसिक जानकारियों को लेना स्टार्ट करें, डिस्कस करना स्टार्ट करें, क्योंकि जानकारी ही मैक्सिमम केस में बचाव का काम करती है। यहां पर अगर हम बात करें कि ये क्या है, अगर हम इसको कम्युलेटिव रूप से बोलना चाहें तो एसटीडी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीडी आर द ग्रुप ऑफ ऑल डिजीज व्हिच आर कॉज्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मे गेट कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया इम्प्रॉपर और अनसेफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स। कारण सेम है, तो अगर इस चीज को अगर हम रोकना चाहें तो क्या कर सकते हैं। इसके पीछे अगर आप WHO का गाइडलाइन देखेंगे तो एक चीज बहुत सिंपल सा सामने निकल करके आती है कि पहले इस तरह के नॉलेज नहीं थे, तो ठीक है उस समय केस बढ़ते थे, बट आज के डेट में जब पीपल अवेयर होना शुरू हो गए हैं, लोग खुल करके बातें करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इन चीजों के पीछे का लॉजिक क्या है, इनका इन्वेस्टिगेशन कहता है कि आजकल भी अगर हम एक प्राइम टाइम में 8 बजे से 9 बजे के बीच में टेलीविजन देखते हैं और कहीं भी इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव के एड आते हैं, प्रिकॉशन प्रोटेक्शन के एड आते हैं, तो एक अजीब सी अनकंफर्टेबलनेस हेजिटेशन फील होता है, जबकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। यही एक मेन कारण है। आज की डेट में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनमें कई सारे मेथड में से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, इन केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को भी यूज किया जाता है, तो इनके कारण से जो प्रोटेक्शन वगैरह यूज करने की संभावना थी इनको काफी हद तक नेगलेक्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग फन। तो इसके कारण से ये चीजें आपको गलत तरीके से आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर इस तरह के डिजीज को कॉज करने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इस तरह के जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, आइदर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन्होंने प्रोटेक्शन के यूज को काफी हद तक कम कर दिया है और उसके कारण से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंटरकॉर्स की मदद से फैलने का पूरी चांसेस बनती है। ये लोकली भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं और ये आपको सिस्टमिक तरीके से भी अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्योर भी किए जा सकते हैं और कुछ आपके लाइफ लॉन्ग आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो उन्हीं सब चीजों के अंदर हमने देखा कि सारी डिजीज का एक कम्युलेटिव फॉर्म कहलाता है STD। आगे देखेंगे तो ये कॉज कैसे होते हैं, कॉज कैसे होते हैं कहने का मतलब है उन तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जिनके प्रोग्रेशन की वजह से, जिनके रिप्रोडक्शन की वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमने इनको बायफर्गेट किया है डिफरेंट लिटरेचर के अकॉर्डिंगली। बैक्टीरिया भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हैं, आगे आप इनका बायफर्गेशन भी देखेंगे। PDF भी जो हमने ग्रुप में अपलोड किया हुआ है सोशल फार्मेसी के फेसबुक में, वहां भी इसका पूरा डिटेल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ईस्ट भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं, फंगस भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं और वायरस भी इनके पीछे का कारण हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि ये जो कॉजेस हैं इस तरह के STD के, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस करना आवश्यक है ताकि आप उनके अकॉर्डिंगली ड्रग का ट्रीटमेंट यूज करें। बहुत सिंपल सा है, अगर बैक्टीरिया के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आप हमारे पूरे टॉपिक को देख लीजिए, कीमोथेरेपी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, वहां पे ड्रग इसके बारे में यूज होंगे। अगर वो कहीं ना कहीं फंगस की वजह से है तो एंटीफंगल ड्रग हमने आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन किया है ताकि आप वहां से बेस को क्लियर करके यहां यूज कर सकें। अगर वो वायरस की वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है जैसे HIV के बारे में आपने देखा, तो एंटीवायरल ड्रग भी हमने आपके ऊपर अपलोड किया है। तब अगर आपने लापरवाही बरती होगी, टॉपिक्स को स्किप किया होगा, तो ये चीजें आपको यहां फंसा के रख देंगी। इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को जंप ना करें, सीक्वेंस में ईमानदारी से देखें। ये वीडियो आप ही के लिए तो बेनिफिट है, मुझे वापस से काम तो नहीं आने वाला। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की, तो ये नोट आपके उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जहां पे लोग अपने आप को सुपीरियर या कहीं कहीं इंफीरियर फील करते हैं। यूं तो मेल की ये इगोइस्टिक प्रॉब्लम रही है कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ डिजीज, बट एक्चुअली देखा जाए तो यहां पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर होती है, सफर ज्यादा करना पड़ता है बल्कि फीमेल को। यहां पे देखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मे अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है एक प्रॉपर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स को एस्टेब्लिश करने में। सो रिस्पॉन्सिबल तो दोनों की है, अफेक्ट भी दोनों के होंगे, बट चांसेस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज इन फीमेल इज हायर देन मेल। जैसा कि आपने STD से पहले UTI में देखा था, दोनों के चांसेस बन जाते हैं ड्यू टू एनाटॉमिकल रीजन, ड्यू टू देयर शाई नेचर, ड्यू टू देयर कंजर्वेटिव नेचर, ये भी कई चीजें इसमें यूज होती हैं। फिजिकली एक प्रॉब्लम तो है, एनाटॉमिकली एक प्रॉब्लम तो है, साइकोलॉजिकली भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, सोशली भी एक इशू है जिसके बारे में लोग तब तक बात करना पसंद नहीं करते जब तक सीरियस से सीरियस केयर वर्स से वर्स टाइल केस में नहीं पहुंच जाता, तब तक ये कोई डिस्कस करना चाहता ही नहीं है।
मैंने पहले ही कहा, आप जब ये वीडियो देख भी रहे हैं तो भी आप अपनी मानसिकता को खुद से जज कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप घर में भी बात करना नहीं चाहेंगे, इवन वीडियो को देखने के बाद भी आप डिस्कस करना नहीं चाहेंगे कुछ लोग अगर छोड़ दें तो। और कई लोगों में से आप लोगों ने वॉल्यूम को भी कम कर लिया होगा, अपने कानों में ईयरफोन भी लगा लिया होगा। ये चीजें अगर आप कानों से सो करके नहीं समझेंगे तो फिर हम एक कॉमन इंसान को कैसे समझा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मे अफेक्ट फीटस इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। दिक्कत यहीं तक खत्म नहीं होती है अगर कोई मेल प्रेगनेंसी के केस में है और इस तरह के एसटीडी से कम्युनिकेट हो जाती है। केवल जरूरी नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जरूरी नहीं कि इसके पीछे का जो कारण हो केवल वो आपके इंप्रॉपर और अनसेफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स से हो। अगर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो भी इसके चांसेस हो सकते हैं। सो ये कई रीजन आपके एक साथ जुड़े हुए होंगे। मेन प्रॉब्लम जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन वही होगा। तो ये फीटस को प्रेगनेंसी केस में भी अफेक्ट कर सकता है और कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी उनके डेवलपमेंट में, उनके मानसिक विकास में, या उनके प्री मैच्योर डिलीवरी के भी चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ कॉजेटिव एजेंट, आइदर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स की, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने जैसा यूटीआई में भी कहा था, ये साइन और सिम्टम आपको बस इंडिकेट कर रही हैं कि इट मस्ट बी आइदर यूटीआई और आइदर एसटीडी। इट इज नॉट अ कंफर्मेटिव साइन एंड सिम्टम। जब तक आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं, जब तक आप अपना बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर नहीं करते हैं, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड का एग्जामिनेशन नहीं करवा लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करवा लेते हैं जेनिटल पार्ट की, तब तक ये कहना पॉसिबल नहीं है। बट ये इंडिकेट जरूर करते हैं दैट यू आर हैविंग एसटीडी। उनमें से पहला है पेन वाइल यूरिनेशन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब भी आप यूरिनेट करने की कोशिश करेंगे तब आपको जेनिटल पार्ट में पेन का एहसास होगा। यूटीआई में भी यही प्रॉब्लम था, इसमें भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लोअर एब्डोमिनल पेन इन फीमेल स्पेसिफिकली, जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके लोअर पार्ट में आपको पेन का एहसास होगा, एक क्रैम्पिंग एहसास होगा, जो कि आपको एक सिग्नल दे रहा है कि यू आर हैविंग आइदर यूटीआई और एसटीडी। उसके बाद देखिए जेनिटल डिस्चार्ज फ्रॉम मेल एंड फीमेल जेनिटल पार्ट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ एक कदम और आगे बढ़कर आपको सिम्टम्स देना स्टार्ट करता है। जेनिटल पार्ट चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे एक जनरल में कुछ सीक्रेट्स होते रहते हैं, ये एक यूजुअल प्रोसेस है। बट अगर इन नॉर्मल लाइफ की तुलना में जो मेंस्ट्रुअल साइकल्स के बीच में जो गैप होते हैं, सीक्रेशन होती है, इनके अलावा जो अब नॉर्मल तरीके से अगर डिस्चार्ज होते हैं जिनमें फिशी स्मेल होगा, जिनमें स्टिकीनेस होगा, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडी और अदर डिजीज विच आर अफेक्टिंग द जेनिटल पार्ट। तो इसके बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप इन वुमेन एंड मेल, बट इन वुमेन इट इज मोर सीरियस। कभी भी एक कपल्स जब एक फैमिली मेंबर फैमिली प्लानिंग के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक इंटरकॉर्स के दौरान पेन का एहसास अगर होता है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो आपके एसटीडी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनाटॉमिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ और यूटीआई से जुड़े हुए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये तीनों चारों सिम्टम्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आपको इनिशियली इमीडिएटली इस तरह की चीजों को डायग्नोस कराना आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं अगला, ब्लीडिंग इन फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होने के बाद जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल की पारी आती है, इन बीच इस गैप में अगर इस गैप में भी किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि समथिंग इज नॉट गोइंग वेल। यहां भी आपको ये एक डायग्नोसिस कराने की आवश्यकता है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए टेस्टिकुलर पेन। मेल की अगर हम बात करें तो टेस्टिस में पेन जनरेट हो सकता है, नर्व वहां पर सेंसिटाइज हो सकते हैं और पेन का फीलिंग हो सकता है। तो ये मेल के लिए सिम्टम्स हैं। इसके बाद जो मैंने आपको ऑलरेडी रिपीट किया, स्टिकी एंड फिशी स्मेल फ्रॉम द डिस्चार्ज, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इस तरह के वाइट डिस्चार्ज होते हैं, यहां भी रिपीट करना आवश्यक है, फीमेल में चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर इस तरह के डिस्चार्ज होते हैं और उसमें फिशी स्टिकी स्मेल आती है तो ये आपको एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है। एक दो बार होकर के ये साफ हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चला तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहां पे एक लॉजिकल बात है, अगर कोई भी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और इस फेस के दौरान ही वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह के जो कंटामिनेटेड प्रॉब्लम है वो आपके पार्टनर में भी मूव करने की पूरी संभावना हो। तो यहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है कि इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल, और इस तरह की चीजों को ध्यान रखते हुए आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है जिसका जानना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग फिर से इस बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। इसके बारे में नोट्स हमने बहुत पहले से अपलोड कर दिया है ताकि कुछ लोग तो अवेयर हो सके। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करते हैं।
यहां पे मैंने आपको बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस, फंगस, इनके बारे में बताया कि ये कॉज हो सकते हैं, तो उनके रेस्पेक्टिव एग्जांपल के बारे में भी देख लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आज के पार्ट में ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बनेंगे, बेसिक एमसीक्यूज बनेंगे, तो पहले से तुलना में थोड़ा कम होने की संभावना है। पहला अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो आपका कैंक्रोइड इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इसके द्वारा ये प्रॉब्लम हो सकती है। गोनोरिया तो सबसे एक ऐसा कंडीशन है जिसके बारे में आपको जानना और समझना भी बहुत जरूरी होगा। सिफिलिस भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो यह वायरस आपका जेनिटल हर्पिस वायरस भी हो सकता है, जेनिटल वार्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं, आपका हर्पिस वायरस भी हो सकता है, आपका हेपेटाइटिस वायरस भी हो सकते हैं, और आपके एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी इस एड्स वायरस जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं वो वायरल इंफेक्शन का एक कारण हो सकता है, जिसके कारण आपने देखा इंप्रॉपर एंड अनसेफ सेक्सुअल इंटरकॉर्स मेन रीजन है, इसके बारे में हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रोटोजोअन के बारे में बात करें तो ट्राइकोमोनासिस भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जिसको हमको जानना है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है जिनको हमको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जरूर देखेंगे। यह है आपका क्लैमिडिया, ग्रैप्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ये भी आपके एसटीडी से एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो ये था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके साथ आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। धीरे धीरे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज और उनके कॉजेटिव एजेंट साथ साथ उनके ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी के बारे में धीरे धीरे वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें पावर पॉइंट भी इंक्लूड होगा और कुछ इसमें इमेज का एस इट इज टेबल के फॉर्म में बुक से एक्सप्लेनेशन भी होगा। सो आज का जो रेफरेंस है वो आपको किसी मैक्सिमम बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे आप कैडेट पार्टी में खोजने जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप लिपिन कॉर्ड में खोजेंगे आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, पद्मजा उदय कुमार में आपको नहीं मिलेगा, पी जगदीश प्रसाद में आपको नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे सतोष कर में, बाकी आपको नेट से रिसर्च करना पड़ेगा। सो आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए ये होमवर्क हमने पहले से करके रखा हुआ है, आप केवल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन करके ग्रैस्प कर सकते हैं ताकि आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकें। सो इफ यू विलिंग टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, मैं थोड़ी देर बाद यहां से हट जाऊंगा, आप इसका व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार एंड टेक केयर।